दिनांक 10 मई 2022 को थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुसैनी मोहल्ला निवासी साबिर नईम कुरैसी को आरोपी भतीजे ने घर से बाहर निकलते मारी गोली, जिससे साबिर नईम कुरैसी पूरी तरीके से घायल हो गया। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घायल तत्काल उपचार के लिए ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद भिजवा दिया। जानकारी के तौर पर पता चला कि भतीजे ने चाचा को चौथे वसूलने को लेकर मारी गोली, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहल्ला हुसैनी शीश गिरान कब्रिस्तान के सामने गोली मारकर किया गया था। घायल आरोपी व मौके से फरार, यह घटना उस समय हुई जो करीबन समय 3 बजे के आसपास था। बाकी पुलिस मामले की बारीकी से कर रही है छानबीन। गोली मारने का सही तरीके से पूरा कारण स्पष्ट नहीं हो सका। आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब। अभी जो कौन सी जगह ये गोली कांड हुआ, क्या मामला था? ये हुआ चिगरान कब्रिस्तान के बिल्कुल ठीक सामने। किस तरीके, कौन सी जगह है कब्रिस्तान में, क्या छिन्ने? छिन्ने ये है साहब, जलाल साहब की दरगाह कब्रिस्तान का गेट, मोहल्ला चिगरान का कब्रिस्तान, इसके गेट पर यह हुआ है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना रसूलपुर पड़ता है। कौन लोग थे, देखा था आपने? अब साहब उनके खानदानी लोग थे। कौन, किनके खानदानी? उनके जिनके साथ, जिनके गोली मारी है। कितनी गोली? क्या नाम था उनका? उनका नाम साबिर का, साबिर कहते हैं, नाम तो कुछ उसका और है। और गोली किनने मारी थी ये नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। कितनी गोलियां चलाई गई, क्या तीन चार गोलियां चली हैं? क्या माना जा सकता है, क्या रंजिश? रंजिश ये है, इन्होंने अपनी जगह बेची थी 4.5-4.75 करोड़ की। ये अपना हिस्सा पहले बेच चुका था और हिस्से से ज़्यादा बेचा था। चचा अच्छा इसके बहुत सी थे, तो उनको मार के आए दिन, क्या उन्होंने जब अपनी जगह बेची तो उनसे पैसे मांग रहा था, उसके चक्कर में है ये लड़ाई।